हेलो गाइस, मैं हूँ हार्दिक पांचाल और भाई अभी हमारे पास है यामा की MT15। तो आज ना मैं आपको इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देने वाला हूँ कि भाई कैसी चलती है बाइक, कितने की आती है, कैसे चलती है। इसका स्पेसिफिकेशन वाली वीडियो तो आपने पूरी देख ली होगी, पर आज इसमें टेस्ट ड्राइव दूंगा कि भागती कैसी है, कैसा इंजन है। और भाई अगर इंजन की बात करते हो तो 155 cc के अंदर इंजन मिलता है जो कि 18 BHP निकालता है और 14 Nm के आसपास प्रोड्यूस करती है। उसके बाद प्राइसिंग की बात करते हो तो 165,000 इसका एक्सोरूम प्राइस है और 195,000 ऑन रोड प्राइस है, जिसके अंदर भाई माइलेज भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएगी 56 km की। तो चलो इसको जल्दी से लेके चलते हैं राइड पे और सारा एक्सपीरियंस देता हूँ आपको इसका, कैसी चलती है, कैसी बैठती है, कैसी भागती है। और मैं आपको स्पीडोमीटर भी दिखा देता हूँ इसका, किस टाइप का स्पीडोमीटर आता है। तो ये पूरा स्पीडोमीटर आता है भाई इसके अंदर, जो कि यहाँ पर अपने को डिजिटली स्पीडोमीटर पता लगता है, यहाँ पर अपने गियर और RPM मीटर। तो चलो लेके चलते हैं इसको। तो चलो भाई लेके चलते हैं। सबसे पहले की ऑन करी, और ये बटन पता है किस लिए होता है, जैसे कि अगर ये बंद रहेगा हम सेल्फ दबाएंगे तो बाइक स्टार्ट नहीं होगी, पहले इसको ऑन करना पड़ेगा फिर ये सेल्फ बटन दबाएंगे तो ये बाइक हो गई स्टार्ट। भाई साउंड सुन सकते हो है ना, अभी बाइक फर्स्ट गियर में, जैसे कि न्यूट्रल करके क्लच छोड़ूंगा कुछ नहीं होगा, जैसे कि आप फर्स्ट गियर डालेंगे। तो चलो भाई, और मैं आपको इसकी पोजीशन बताऊं, भाई पोजीशन में थोड़ी इसकी नेक्स्ट लेवल है। इसका हैंडल ना काफी ज्यादा वाइड सा दे रखा है तो जिसमें बैठने में थोड़ा अलग सा लगता है, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन है। तो चलो अब इसको लेके चलते हैं राइड पे, धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। भाई भाई नो वाइब्रेशन, कोई भी वाइब्रेशन नहीं है बाइक के अंदर। सेकंड गियर डाल दिया तो यहाँ पर आना, आपकी स्क्रीन पे भी दिखाता है सेकंड गियर में चल रही है भाई। और भाई जैसे कि सेकंड गियर में ना इसके अंदर 14 Nm का टॉर्क है, तो इतनी सी चढ़ाई थी तो चढ़ाई पे भी 14 Nm का टॉर्क इसका चढ़ गया आराम से। तो भाई ऑफ रोडिंग के मामले में बात करते हो, ये लो भाई पहले ही गड्ढे आ गए। सस्पेंशन भाई थोड़े से स्टिफ है इसके अंदर, अभी भगा के भी देखेंगे इसको, थोड़ा 0-60 भी देखेंगे, पर लेकिन भाई सस्पेंशन ना इसके स्टिफ है। आपको पता ही होगा यामा अपनी ज्यादातर बाइकों में स्टिफ सस्पेंशन देती है, और अभी थोड़े बहुत गड्ढे गड्ढे से है ना, तो मतलब पावर के मामले में ठीक लग रही है मेरे को, और स्मूथ भी है काफी ज्यादा। अभी देखो सामने मॉन्की भी आ गया, हॉर्न देखते भाई, हॉर्न ऊपर दे रखा भाई, वो ही है भाई पहले वाला FZ वाला ही हो रहा ना, थर्ड गियर डाला। तो भाई थर्ड गियर में भी ना 15 की स्पीड में बड़े प्यार से चल रही है, कोई भी अपने को ऐसा नहीं लग रहा कि बाइक में दम तोड़ रही है या फिर कुछ ऐसा सीन। तो भाई अब आ गए हम हाईवे पे, अब इसकी ना थोड़ी सी स्पीड वगैरह देखेंगे कि किस टाइप से भागती है बाइक। अभी तो आपने ऑफ रोडिंग देखी होगी, थोड़े से स्टिफ सस्पेंशन थे, तो अब चलते हैं भाई मेन लेके इसको थोड़ा हाईवे पे। तो ये देख लो भाई फर्स्ट गियर में जाती है बाइक, वही 20 के आसपास, मतलब जा रही तो 30 तक जाएगी, सेकंड में 30 तक जा रही है भाई 50 की स्पीड पे है। स्टेबिलिटी काफी सही लग रही है देखने में इसकी, भाई 5 गियर है ना, 6 गियर में देखो मैंने 60 में डाल दी और ऐसा लग रहा है बाइक बिल्कुल स्मूथ से चल रही है, कोई भी इसके अंदर वैसा नहीं लग रहा झटका वटका आने वाला, बिल्कुल 55 की स्पीड पे है और अपना 6th गियर में बाइक है, और भाई काफी सही चल रही है देखने में। जैसा कि स्टेबिलिटी के मामले में बताऊं, स्टेबिलिटी में एक होता है ना कि बाइक हिलने लग जाती है ऐसे ऐसे, भाई बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि हिलने विलने वाली दिक्कत लग रही हो। और 6th गियर का ये फायदा होता है, देखो 6th गियर में ना अभी मैं गियर छोड़ूंगा, 30 पे भी भाई बिल्कुल स्मूथ चल रही है। जैसा कि वो होता है ना कि एक तो थोड़ी वाइब्रेशन आती है ऐसा कुछ नहीं, अभी देखो गियर डाउन मारा मेरे को थोड़ी स्पीड बढ़ानी है, थर्ड गियर में जाती है एक्सीलेटर दूंगा भागने लग जाइए एकदम से। ये देखो भाई, और भाई अभी ना थोड़ी नई बाइक है तो इसलिए ज्यादा खुली नहीं है, मात्र 353 किलोमीटर चली है बाइक, तो इसलिए आपको थोड़ा सा जब बाइक खुल जाती है ना तो उसका पावर और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। अभी इसकी सर्विस भी नहीं हुई, फर्स्ट सर्विस जो होती है ना, सर्विस के बाद असली बाइक खुलती है। और भाई आपको ना इसके RPM मीटर का एक फायदा बताता हूँ, जैसे कि आपको अच्छी माइलेज निकालनी है ना तो क्या होगा, जैसे कि अगर आप 3000 से नीचे RPM रख के गियर डाउन कर दोगे ना, मतलब गियर डाल दोगे तो भाई काफी अच्छी माइलेज निकल जाएगी। एक तो होता है कोई बंदा मतलब दूसरे गियर में खींच के गियर डाला जैसे 5000-6000 RPM तक है ना, तो उसमें माइलेज डिक्रीज होती होती है। अब जैसे कि मैं इसके ना 3000 से नीचे रखूंगा RPM को है ना, और 3000 से नीचे ही 5वां गियर डाल दिया मैंने है ना, ऐसे करके भाई माइलेज काफी ज्यादा अच्छी निकल जाती है इसके अंदर। तो भाइयों यही था मेरा छोटा सा एक्सपीरियंस आपको यामा MT15 की ड्राइविंग देने का। अगर वीडियो पसंद है लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।